हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको रेमेडी देने जा रही हूँ वो मेरे को बहुत से लोगों के कमेंट आया, उनके कमेंट्स पे मैं ये देने जा रही हूँ। लोग बहुत पूछते हैं, मैंने पहले भी प्राइमर की एक वीडियो दी थी तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि प्राइमर से हमें पसीना आता है और ग्लिसरीन हमें सूट नहीं करती। तो आज मैं स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ जिन लोगों को पसीना बहुत आता है और जिनके फेस के ऊपर मेकअप जो है वो स्टे नहीं करता। तो इस प्राइमर से आपके चेहरे पे मेकअप जो है वो स्टे भी करेगा और पसीना भी नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं प्राइमर जो बनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल मैट फिनिशिंग के अंदर बनाने जा रही हूँ और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसे रूटीन में क्रीम की जगह भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेमेडी बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसे बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी रेमेडी मिस ना कर पाए। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसे। तो इसके लिए मैंने लिया है जेल, एलोवेरा जेल, बहुत ही कॉमन जेल है। अगर आप चाहें तो केसर चंदन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला एलोवेरा जेल लिया है सौंदर्या पतंजलि का। बहुत ही अच्छा जेल है, बहुत ही अच्छे इसके इफेक्ट हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। एक चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस कंटेनर के अंदर यानी जिस डिब्बी के अंदर आपने इसे बना के रखना है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए और उसके अंदर पानी की एक भी ड्रॉप्स नहीं होनी चाहिए, यानी मॉइस्चर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आप उसे अच्छे से साफ करके कोशिश करें धूप में सुखा लें। अगर धूप नहीं आती आपके वहाँ तो आप कपड़े से इसे साफ कर सकते हैं। तो ये है सनस्क्रीन SPF 30 पतंजलि का है, यही आपने लेना है। ये सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा है। तो एक चम्मच ही हम लेंगे सनस्क्रीन, ये हमने मिक्स कर दिया है। और अब हम लेंगे पतंजलि का रोज वाटर। तो ये हमने एक चम्मच लिया है रोज वाटर पतंजलि का, इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेकअप से पहले जो बताती हूँ कि आप टोनर लगाएं, आप सनस्क्रीन लगाएं या प्राइमर लगाएं, प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा जेल लगाएं, तो आपका काम बहुत ही आसान कर दिया है। इस प्राइमर के अंदर हमने तीनों चीजें मिलाई हैं, सनस्क्रीन भी है, जेल भी है और रोज वाटर भी है। अब आपको मेकअप करना बहुत ईजी है। मेकअप करने से पहले आप इसे लगाएं और मेकअप करें, आपका मेकअप स्टे भी करेगा, जल्दी उतरेगा भी नहीं, पसीना भी बहुत कम आएगा क्योंकि ये मैट फिनिशिंग के अंदर है। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है और इसे आप 6 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। कोशिश करें किसी ठंडी जगह पे रखें तो काफी टाइम चल जाता है। बहुत ही अच्छा आप देख रहे हैं कि प्राइमर बन के ये तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा। मैं इसे आपको हल्का सा लगा के दिखाती हूँ अपनी स्किन पे। बिल्कुल हल्का सा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप रूटीन में भी इसे क्रीम की जगह भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और बहुत ही काम आएगी। आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करें और मुझे बताएं जरूर कि आपको कैसा लगा। आपने देखा है कि चिप चिप नहीं करता और मैट फिनिशिंग अंदर है, बहुत ही ऑयली नहीं है, आपको बहुत ही सूट करेगा, आपके बहुत काम आएगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियोस देखते रहें, मैं इजी से इजी रेमेडीज देती रहूंगी आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। थैंक यू।